माय नेम इज़ दारा। आज का हमारा लेक्चर है यूनिट टेंजेंट वेक्टर के ऊपर। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक दी है क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा था कि आपको पता चले इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जब आएंगे तो आपने किस तरह उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है फाइंड द जनरल फार्मूला फॉर द टेंजेंट वैक्टर एंड द यूनिट टेंजेंट वैक्टर टू कर्व गिवन बाय दिस। आपके पास अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जिसके अंदर आपको टेंजेंट वैक्टर और यूनिट टेंजेंट वैक्टर फाइंड आउट करना होगा और आपको कर्व किस फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक वेक्टर हेड है, एरो हेड रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक वेक्टर फंक्शन है। तो अब हमें इसमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमें चाहिए क्या, टेंजेंट वेक्टर और यूनिट टेंजेंट वेक्टर। हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं, टेंजेंट वैक्टर यूनिट टेंजेंट वैक्टर। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको कर्व किस फॉर्म में है। अगर तो आपका कर्व वेक्टर की फॉर्म में है तो इसका टेंजेंट वेक्टर डिफरेंट होगा और इसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर भी डिफरेंट होगा। टेंजेंट वेक्टर किसी भी वेक्टर फंक्शन का क्या होता है मैं अब आपको बताती हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम समझते हैं कि टेंजेंट वेक्टर क्या होता है और फिर यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होगा। जैसे कि हम पहले करते थे किसी भी फंक्शन का, लेट्स सपोज हमारे पास एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, लेकिन ये एक फंक्शन है, कोई वेक्टर फंक्शन की बात नहीं करी, जस्ट एक फंक्शन है। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हमें जो डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का, ये हमें स्लोप देता था टेंजेंट लाइन की। तो अगर आपके पास कोई भी जनरली फंक्शन गिवन हो और आपको कह दिया जाए कि टेंजेंट लाइन हमें स्लोप चाहिए टेंजेंट लाइन की, तो आपने क्या करना है, जस्ट उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन हो वेक्टर फंक्शन, तो उस फंक्शन का आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपको टेंजेंट वेक्टर मिलेगा। लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर फंक्शन है आर टी, अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये डेरिवेटिव इक्वल होगा टेंजेंट वेक्टर के। और अगर आप इस टेंजेंट वेक्टर को डिवाइड कर दें इसकी लेंथ पे, अगर आप इसी टेंजेंट वेक्टर की लेंथ ले लें, इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट वेक्टर। अगर आप टेंजेंट वेक्टर की लेंथ पे टेंजेंट ओवर टेंजेंट वेक्टर की लेंथ कर लें तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो होगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कैपिटल टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते होते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ये किसके इक्वल होता है, टेंजेंट वेक्टर ओवर लेंथ ऑफ टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर किस तरह मिलेगा, जो भी आपके पास वेक्टर फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे तो टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा। इसका आप लेंथ ले लें, इन दोनों का रेशियो लेंगे, जो भी रेशियो होगा वो आपका होगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो ये आपने अच्छी तरह अपने माइंड में याद रखना है कि सिंपल फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास स्लोप आ जाती है टेंजेंट लाइन की। लेकिन अगर हम वेक्टर फंक्शन का वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर आता है। अगर हम उसको उसकी लेंथ पे डिवाइड कर दें तो जो भी रिजल्ट होगा वो होगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूला पे। हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है टेंजेंट वेक्टर के लिए और यूनिट टेंजेंट वेक्टर के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट वेक्टर मैंने अभी आपको बताया कैसे फाइंड आउट होगा, जस्ट आपने जो भी आपके पास वेक्टर फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेना है। हमारे पास वेक्टर फंक्शन यहाँ पे क्या है, ये वाला। आपने सिंपली क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करने लगी हूँ, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ आर टी। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको सिखाया था डेरिवेटिव और इंटीग्रल लेना किसी भी वेक्टर फंक्शन का, वो इसीलिए सिखाया था कि जब आगे हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे तो हमें डेरिवेटिव यूज़ होगा। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आए कि मैं डेरिवेटिव किस तरह ले रही हूँ। डेरिवेटिव लेंगे तो हम क्या करेंगे, आर टी का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो टी है तो टी के रिस्पेक्ट में होगा डेरिवेटिव। और यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे इस फंक्शन का, टी स्क्वायर
टू साइन टी, टू कॉस टी। इधर मेरे पास तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, तीनों कॉम्पोनेंट्स का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि डेरिवेटिव अंदर जाके इंडिविजुअली अप्लाई होगा सब पे। टी स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे एक टी की पावर है टू, तो हम यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे। तो पावर रूल में क्या होता है, पावर पहले टी की पावर में से एक माइनस अगेन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो आएगा वन, यहाँ पे आए वैसे ही आ जाएगा। डेरिवेटिव टू साइन टी का क्या बनेगा, टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव साइन टी का क्या आ जाएगा, कोस टी, यहाँ पे हम जे है टू कोस टी, टू एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टू टी, नेक्स्ट आ जाएगा टू कोस टी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू साइन टी क्योंकि मैंने माइनस इसको बाहर ले आई हूँ। तो ये हमारे पास आर ये वेक्टर फंक्शन था, इसका आ गया डेरिवेटिव। हमने फाइंड क्या करना था, जनरल फार्मूला फॉर टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर मैंने आपको बताया क्या था, जस्ट आर जो भी आपके पास फंक्शन है उसको डेरिवेटिव ले लें तो टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये टेंजेंट वेक्टर आ गया, इसका मतलब हमने हाफ सॉल्व कर लिया है, हमने टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस दिस इज रिक्वायर्ड टेंजेंट वेक्टर। आप निकालने के बाद एंड पे भी ये लिख सकते हैं, या फिर आप जब ये निकाल रहे थे इससे ऊपर भी लिख सकते थे कि हेयर इज़ द टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व, और फिर आप ये लिखते थे। आप एंड पे भी लिख सकते हैं, तो मैं यूजुअली एंड पे लिखती होती हूँ। तो ये हमारे पास आ गया इसका टेंजेंट वेक्टर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्ट तो यहाँ तक था, नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमने कर्व पे फाइंड आउट करना है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता क्या है, मैंने आपको भी बताया था, यूनिट टेंजेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है, टेंजेंट वेक्टर को अगर हम डिवाइड कर दें लेंथ ऑफ टेंजेंट वेक्टर पे। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, तो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा। लेंथ सबसे पहले हमें चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट वेक्टर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट वेक्टर क्या है हमारे पास, आर। लेंथ किसके इक्वल होती है, हम लेते होते हैं अंडर रूट, और जितने हमारे पास कंपोनेंट होते हैं हम सारे कंपोनेंट का वन बाय वन स्केयर करते जाते हैं। तो हमारे पास जो पहला कंपोनेंट है यहाँ पे वो क्या था, टू टी, तो टू टी का स्केयर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, टू कोस टी, और आगे था माइनस टू साइन टी, तो सेकेंड कॉम्पोनेंट का स्केयर आ जाएगा टू कोस टी, और थर्ड कॉम्पोनेंट का हम स्केयर लेंगे माइनस टू साइन टी। तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टू टी का स्केयर, टू का स्केयर आ जाएगा फोर टी का स्केयर, ऐसे। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स गलती क्या कर जाते हैं कि टू टी का स्केयर क्या लेते हैं, टू टी स्केयर लिख देते हैं, तो वो गलत होगा। आपने देखना है टू टी है तो टू का अलग से स्केयर होगा, टी का अलग से स्केयर होगा, तो फोर टी स्केयर आएगा। सिमिलरली टू कोस टी है तो यहाँ पे टू का स्केयर आ जाएगा फोर कोस स्केयर टी, माइनस का स्केयर प्लस में आ जाएगा, टू का स्केयर फोर में आ जाएगा, और साइन स्केयर टी। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर टी का स्केयर प्लस फोर अगर कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो मेरे पास आ जाएगा कोस स्केयर टी प्लस साइन स्केयर टी। यहाँ पे अब आप गौर करें, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल होता है वन के। तो यहाँ पे कोस स्केयर टी है, थीटा को टी से रिप्लेस करें तो हमारे पास यही फॉर्मूला बन जाएगा, कोस स्केयर टी प्लस साइन स्केयर टी, तो ये भी इक्वल आएगा
वन के, तो हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4t² + 4। इसको हम यहाँ पे रोक देते हैं अपने आंसर को, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना क्या है, यूनिट वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं द यूनिट टेंजेंट वेक्टर इज टी, कैपिटल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे आर टेंजेंट वेक्टर ओवर लेंथ ऑफ टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर हमारे पास क्या था, 2t आई हैड प्लस 2cos t j हैड माइनस 2sin t j हैड, ओवर लेंथ हमारे पास क्या है 4t² + 4। तब आपने क्या करना है, यहाँ तक आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने फर्दर इसको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हर कंपोनेंट के नीचे इसको, इस टर्म को डिवाइड करते जाएं, 2t / 4t² + 4 आई हैड प्लस 2cos t ओवर 4t² + 4 जे हैड माइनस 2sin t ओवर अंडर रूट 4t² + 4। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमारा आज का आर्टिकल था मेन, हमने टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना था, यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना था। हमने सबसे पहले डेरिवेटिव लिया इस फंक्शन का, हमारे पास टेंजेंट वेक्टर आ गया। टेंजेंट वेक्टर की हमने यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट की, और यूनिट टेंजेंट वेक्टर का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई हो तो आप इस वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।